गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार हेलो जय श्री कृष्णा राधे राधे कैसे हैं दोस्तों आप सभी सुबह हो चुकी है और सबसे तेज सबसे पहले सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर लेके आपके पीयूष सर आपके सामने आ चुके हैं तो दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए सेशन को एक बार दबा के शेयर करिए दोस्तों जहाँ तक भी आपकी रीच है वहां तक पहुंचाइए जानदार शानदार क्लास आज की होने वाली है मेरे दोस्त तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि नोट कमाना है तो नोट करना होगा लिखना बन तो सीखना बन सीखना बन तो जीतना बंद देर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग तो, no तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तीस मार्च की जानदार क्लास को दोस्तों ग्रामीण बैंक भर्ती बस एक अप्रैल को आज तीस तारीख हो ही गई आज मार्च क्लोज हो ही गया और कल संडे है कल भी बैंक खुले रहेंगे क्योंकि थर्टी फर्स्ट मार्च है कुबेर प्लेटफॉर्म भी खुला रहेगा तो और उसके बाद ईयर एक अप्रैल को आईबीपीएस का रिजल्ट भी आएगा आईबीपीएस पीओ का क्लर्क का सभी बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिए दिल थाम के बैठे हुए हैं बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन होंगे दोस्तों एक अप्रैल को शाम को छ बजे ग्रामीण बैंक भर्ती की लिए ग्राम सेवक बैच भी आ रहा है मोस्ट अवेटेड बैच तो अंकित सर जो है आप लोगों को दोस्तों जो है पूरी तरीके से इस बैच के बारे में बताएंगे तो सब लोगों को आना है सभी लोग सादर आमंत्रित हैं एक अप्रैल शाम बजे दोस्तों बैंकिंग फाउंडेशन बैच की 50 से ज्यादा लेक्चर मैं ले चुका हूं यूट्यूब पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट अवेलेबल है आई डब्ल्यू एप पर पीडीएफ भी अवेलेबल है इसका तो इसे आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं वीकली करेंट अफेयर की क्लास आज शाम को सात बजे होगी सैटरडे को और जो बचेगा वो कल दोपहर को होगी बारह बजे है ना तो आज शाम को सात बजे सब लोग तैयार रहिएगा सैटरडे को शाम को सात बजे वीकली करेंट अफेयर के लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस की भी क्लासेस हुई है द शॉर्ट न्यूज शो भी मैं लेकर के आता हूं जब ऐसा कोई मुद्दा आता है जिस मुद्दे में दोस्तों जो है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट्स बनने वाले होते हैं उस इशू को मैं समझाता हूं इसमें ओके चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारत ने किस देश में दूसरी जी ट्वेंटी बैठक में भाग लिया है।, दोस्तों, G20 की मीटिंग जो है पिछले साल इंडिया में हुई थी इस बार ब्राजील में हो रही है अगले साल साउथ अफ्रीका में होगी ये इबसा ही दोस्तों इस समय का जी ट्वेंटी का ट्रॉइका है एक दिसंबर से तीस नवंबर तक की साइकिल होती है दोस्तों तो एक दिसंबर को भारत ने दे दी ब्राजील को प्रेसिडेंसी 2024 के लिए दे कब दी एक दिसंबर 2023 को ही दे दी थी ठीक है और 30 नवंबर 2023 2024 तक ब्राजील के पास रहेगी तो ब्राजील के ब्रासिलिया में दोस्तों जो है ये G20 की इंप्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई और अलग अलग ग्रुप की मीटिंग होती है आपने भारत में देखा ही एक एक ग्रुप की चार चार मीटिंग होती है दोस्तों ये भी आप लोगों ने देखा ओके क्लियर है तो ये आप देख सकते हैं कि ये मीटिंग हुई और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये फोटो भी लगाई की ठीक है क्लियर है चलिए तो हमारे यहां से जो श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव हैं सुश्री सुमिता डावरा जी उन्होंने दोस्तों जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है ठीक है ओके जी ट्वेंटी में दोस्तों उन्नीस देश थे अभी जो है बीसवा देश यूरोपियन यूनियन था लेकिन अभी इक्कीसवां देश भी जुड़ गया है जो कि पचपन देशों का यूनियन है अफ्रीकन यूनियन ट्वेंटी फर्स्ट मेंबर बना जी ट्वेंटी का जब आठ से दस दिसंबर सितंबर को भारत के भारत मंडपम में इसकी जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई थी कॉमरोस के असोली अजमनी जो है दोस्तों वो इसके हेड है अफ्रीकन यूनियन के दोस्तों 27 वर्षीय मॉडल रूमी अलका हातमी मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेने वाली किस देश की पहली प्रतिभागी होंगी यानी वो देश इतना कंजर्वेटिव था कि महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता था महिलाओं को कार चलाने की परमिशन नहीं थी बहुत सारे प्रतिबंध थे अभी उसने जो है कि उच्चायुक्तों के लिए शराब की दुकान खोला है वरना वहां शराब की दुकान भी नहीं थी तो दोस्तों वो उस देश का नाम है सऊदी अरबिया सऊदी अरबिया दोस्तों जहां पे अभी मदीना में जो है जो है स्मृति रानी जी गई थी और वहाँ साड़ी में पहन के साड़ी पहन के जाने वाली वो पहली दुनिया की महिला बनी थी सऊदी अरबिया दोस्तों जिसकी कैपिटल है रियाद और करेंसी है रियाल और जिद्दा में इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी है दोस्तों इस्लामिक कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है जिद्दा में ही एक योगा सेंटर भी बनाया गया था दोस्तों मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने नियमों के उल्लंघन के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में कारवी इन्वेस्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द रद कर दिया है तो दोस्तों आपको लगेगा मर्चेंट बैंकर है तो आरबीआई को रद्द करना चाहिए ये सेबी क्यों रद्द कर रहा है तो दोस्तों मर्चेंट बैंकर आरबीआई भी है भारत सरकार के लिए वो भारत सरकार के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करता है तो मर्चेंट बैंकर का इस बैंकर से कोई संबंध नहीं है मर्चेंट बैंकर उसे कहते हैं जो अपने क्लाइंट के लिए अपने कंपनियों के लिए अपने कस्टमर्स के लिए डिवेंचर इशू करता है आईपीओ पी करता है उसे मर्चेंट बैंकर कहते हैं तो दोस्तों कारवी जो है ये आ, बहुत पुरानी संस्था थी और इसने जो है शेयर ट्रेडिंग के भी काम कराए हैं शेयर ब्रोकरेज शेयर दलाल के भी काम किए हैं पैन कार्ड भी पहले यहाँ बनता था तो दोस्तों इसका जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है सेबी के द्वारा क्योंकि सेबी ही शेयर मार्केट का कैपिटल मार्केट का गोल्ड मार्केट का कमोडिटी मार्केट का डेरिवेटिव मार्केट का रेगुलेटर है विनियमित करता है जो 1988 में आया था मदाबी पुरी बुच इसकी हेड है जो पहली महिला हेड बनी है और उन्नीस में एक्ट आया जिसके थ्रू इसको रेगुलेटिंग पावर मिले सेबी एक्ट 1992 में आया ठीक है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड दोस्तों इसे कहते हैं अप्रैल 2023 में ही दोस्तों कारवी को नए ग्राहकों को जोड़ने से मना कर दिया गया था इसके पास ना तो भौतिक कोई बुनियादी ढांचा था ना कोई ब्रांच थी न कोई कर्मचारी कर फर्जी तरीके से अब ये चल रहा था बस नाम पे 2013 में इसे रजिस्टर्ड किया गया था और अब इसे खत्म कर दिया गया दोस्तों से भी अप्रैल 1988 में आया जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया जी राम मोहन राव इसके दोस्तों एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर भी चुने गए हैं ये भी याद रखेंगे जी राम मोहन राव दोस्तों मार्च 2024 में किस बैंक ने सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दिया है सोनाटा फाइनेंस में पांच करोड़ लगा के हंड्रेड परसेंट शेयर ले लिए हैं यानी पूर्णतया मालिक बन गई है उस कंपनी का नाम है कोटेक महिंद्रा बैंक दोस्तों जिसके हेड अशोक वासवानी हैं और मालिक हैं उदय कोटक जो एशिया के सबसे अमीर बैंकर हैं। ओके क्लियर, वेरी गुड दोस्तों कोटेक महिंद्रा बैंक की स्थापना जो है 21 नवंबर 1985 में हुई थी मतलब इस कंपनी की स्थापना हुई होगी इसको लाइसेंस तो मुझे लगता है 2003 के लगभग में मिला है अभी अशोक वासवानी ने दीपक गुप्ता को रिप्लेस किया और हेड बने और सीएस राजन इसके चेयरमैन बने सीएस राजन दोस्तों निधु सक्सेना को किस बैंक के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है तीन साल के लिए नियुक्ति कौन करता है दोस्तों बैंकों में एफएसआईबी करती है जिसका पुराना नाम बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी ट्रिपल बी था अब फ़िनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो हो गया है तो बैंक ऑफ़ के दोस्तों हेड हो गई हैं निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले साल बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था क्रेडिट ग्रोथ में एनपीए में भी उल्लेखनीय कमी की थी डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा हुआ क्रेडिट ग्रोथ लोन ग्रोथ सब अच्छा हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हेड एएस राजीव को इसका अधिक अवार्ड भी मिला और उन्हें देश का विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया सतर्कता आयुक्त बना दिया गया तो दोस्तों राजू चले गए तो तो पोस्ट खाली हो गई तो सक्सेना को दोस्तों जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेड बना दिया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है पुणे में है, कहां पे है मेरे दोस्त पुणे में है वन नेशन वन महाराष्ट्र वन बैंक वन महाराष्ट्र ऐसे करके इसकी टैगलाइन भी ए एस राजीव जी इसके पहले हेड थे जो विजिलेंस कमिश्नर बन गए तो चलिए बताइए कि हमारे देश के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन हैं तो दोस्तों ये बैंक ऑफ बड़ौदा यूको बैंक यूनियन बैंक जैसे बेहतरीन बैंकों में इन्होंने काम किया हुआ यूनियन बैंक की तो अभी ये ईडी ही थी ओके तो निधु सक्सेना जी को दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेड बना दिया गया जिनके पास 26 साल का अनुभव है दोस्तों एमवी राव जी को इंडियन बैंक एसोसिएशन का हेड बनाया गया है एमवी राव जी किस बैंक के हेड हैं बताइए जरा हैं थे नहीं हैं किस बैंक के हेड हैं आईबीए के डिप्टी चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को बनाया गया है शांतिलाल जैन को बनाया गया है और एन कामा कोडी जी को बनाया गया भारतीय बैंक एसोसिएशन भारतीय बैंक संघ के डिप्टी चेयरमैन तीन लोग बनाए गए वाला फिनकॉप के हेड अभी बनाए गए अरविंद कपिल तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के चेयरमैन रविंद्रन जी और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीएमडी अजय कवल जी को बनाया गया ओके okay? क्लियर तो बिल्कुल सूरज ने जवाब दिया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हेड हैं नेहा ने भी बताया है मंत्र ऑफ सक्सेस नि, निधि पवन चांदनी वेरी गुड दोस्तों एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो आतंकवादियों को पकड़ती है देश भर में उसके हेड के रूप में महानिदेशक के रूप में डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों दोस्तों सदानंद सदानंद बसंत बसंत दाते बसंत दाते को दोस्तों, जो है इसका हेड बनाया गया है एनआईए का हेड डायरेक्टर जनरल बनाया गया ओके बहुत सारे दोस्तों चेंज किए गए हैं जैसे दिनकर गुप्ता जी के जगह पर एनआईए का हेड एसवी वी दाते को बना दिया गया है ओके okay, क्लियर है ऐसे ही बहुत सारे चेंज हुए हैं दोस्तों क्या क्या चेंज हुआ है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआईडी का हेड किसको बनाया गया है राजीव कुमार शर्मा जी को बनाया गया है किसको बनाया गया मेरे दोस्त राजीव कुमार शर्मा जी को एक बार लाइक करके शेयर कर दो यार कम से कम तीन चार दोस्तों को जोड़ा करो जरूर है ना रोज कम से कम आप अपने पीयूष सर की क्लास में कम कम से दो तीन लोगों को जोड़िए दोस्तों नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए हेड कौन बन गए पीयूष आनंद जी बन गए ठीक है? ओके पीयूष आनंद जी ने अतुल कारवाल को रिप्लेस किया है ओके एसपीजी ग्रुप जो है दोस्तों जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है खासकर इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया एस सुरेश जी को किसको नियुक्त किया गया एस सुरेश जी को दोस्तों एसपीजी का एडिशनल दिया गया चार्ज ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों हेड ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी अनुराग अग्रवाल जी एनएसजी के हेड दलजीत सिंह चौधरी जी आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के डीजी दलजीत सिंह चौधरी जी और चीफ स्टाफ ऑफिसर ईस्टर्न नेवल कमांड के शांतनु झा जी को अपॉइंट किया गया है इनको अपॉइंट किया गया ओके क्लियर है चलिए बहुत अच्छा दोस्तों एवरेडी का नया ब्रांड एम्बेडर कौन बना वो हैज बिकम एवरेडीज न्यू ब्रांड एम्बेसडर एवरेडी का नया ब्रांड एम्बेडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया एवरेडी की बैटरी वैटरी आती है है ना बहुत सारे टॉर्च लाइट्स ये सब भी आते हैं एवरेडी के तो एवरेडी अल्टीमा की देखिए यहाँ पे लेकर के बैटरी खड़े हैं नीरज चोपड़ा जो स्विट्जरलैंड के भी ब्रांड एम्बेसिडर बने जेवलिन बॉय हैं और दोस्तों अभी बर्फ के महल में स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में इनके नाम की पट्टिका लगाई गई प्लॉक लगाया गया स्मारक चिन्ह लगाया गया अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन तो पहले से अवरेडी बैटरी का प्रचार करते थे अब नीरज चोपड़ा भी इनमें शामिल हो गए हैं दोस्तों ठीक है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एशियन व्यक्ति थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले एशियन थे दोस्तों अगर के ब्रांड एम्बेसिडर की बात करें तो नयन तारा को स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को भारत पेट्रोलियम का स्पीड पेट्रोल वेरिएंट का भारत पेट्रोलियम ने वैसे पिछले साल राहुल द्रविड़ को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कैटरीना कैफ चेन्नई सुपर किंग टीम की बनी है चेन्नई सुपर किंग टीम सबसे मूल्यवान टीम है यूनिकॉर्न है दोस्तों और आईपीएल डेका कौन है जिसके हेड है अरुण सिंह धूमल आईपीएल के ऑफिसर फिटनेस के लिए जाने जाते हैं नरेंद्र कुमार यादव जी फिट इंडिया मूवमेंट के हेड बनाए गए हैं 22 साल की उम्र में इन्होंने यूपीएससी एग्जाम निकाला था ऋतिक रोशन जो है दोस्तों थर्ड रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग के ब्रांड मेजर बने हैं रिशभ पंत आयोडेक्स अल्ट्रा जेल प्लस के बने हैं दीपिका पादुकोड़ बिस्लेरी की दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण जो लुई वुइटन की भी ब्रांड एम्बेसडर थी फ्रांस वाले कपड़े की जो ब्रांड है दोस्तों डियो माए फेव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है किस देश का प्रेसिडेंट चुना गया है तो इन्हें दोस्तों सेनेगल का प्रेसिडेंट चुना गया है बासिरो डियो माए फेव को ठीक है सेनेगल का क्लियर तो दोस्तों चौवालीस साल की उम्र में फे अफ्रीका के सबसे कम उम्र के निर्वाचित राष्ट्रपति 1960 में फ्रांस से सेनेगल की आजादी के बाद पहले दौर में जीतने वाले पहले प्रतिद्वंदी बनने के लिए तैयार थे दोस्तों हाल ही में किस आईपीएल टीम ने आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बना डाला तो दोस्तों 277 रन 277 रन सनराइजर हैदराबाद ने जो आया वही मारा हार्दिक पांड्या कैप्टन और एक और पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा इन लोगों के बॉलरों की वो धज्जियां उड़ाई गई मुझे लगता है इसी में मिसेल स्टार्क भी थे मुंबई इंडियन के खिलाफ मारा था बहुत बुरी तरीके से जो आ रहा था वही मार रहा था भाई साहब बहुत बुरी तरह जिसने वर्ल्ड कप जीता है इस बार ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन वो सनराइजर हैदराबाद का कैप्टन बन गए हैं इस बार सनराइजर हैदराबाद कुछ कर सकती है, है कि नहीं तो सनराइजर हैदराबाद ने रिकॉर्ड किसका तोड़ा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का वो भी करीब दस साल से चादा का रिकॉर्ड हो गया था दो टन रन बनाई थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वो भी उस टीम के खिलाफ बनाई थी जो अब शायद खेलती भी नहीं है पुणे वॉरियर जिस टीम का आता पता नहीं है अब निम्नलिखित में से कौन सा देश 19 जुलाई से 28 जुलाई तक महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं जय शाह और एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कोलंबो में है अभी पुरुषों का भी एशिया कप पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंका में ही हुआ था तो महिला वाला एशिया कप भी कहां होगा तो श्रीलंका में ही होगा मेरे दोस्त ठीक है क्लियर है तो वीमेन्स एशिया कप कहां होगा श्रीलंका में होगा दोस्तों कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द सैडो ऑफ ए नामक बुक के लेखक कौन है जो मानव समाज पर ए के प्रभाव की पड़ताल करती है और नॉन फिक्शन के लिए 2024 के पहले महिला पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट भी की गई है तो दोस्तों ये है मधुमता मुर्गिया और इनकी बुक है कोड डिपेंडेंट जिसपे सी टी आर एल यानी कंट्रोल नाम का कीबोर्ड का एक बटन भी दिख रहा है और नाम है लिविंग इन द सेडो ऑफ ए आई ए आई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मधुमता मुर्गिया ठीक है तो ये बात याद रखिएगा कोड डिपेंडेंट पब्लिश बाई पिकेडर छह पुस्तकें और भी दोस्तों जो है लिखी हुई है मुर्गिया जी ने जो भारतीय ब्रिटिश पत्रकार है दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं तो वर्ल्ड पियानो डे दोस्तों हर साल किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड पियानो डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है तो ये 28 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड पियानो डे वर्ल्ड पियानो डे 28 मार्च को मनाया जाता है ओके okay? चलिए ये बताइए आज तीस मार्च है है ना किस राज्य का स्टेटहुड डे मनाया जाता है और तीस मई को किस राज्य का स्टेटहुड डे मनाया जाता है और इकतीस अक्टूबर को किस राज्य का स्टेटहुड डे मनाया जाता है यानी स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों अमेरिकी सर्जन्स ने सुवरों से इंसान में पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया अभी हमने देखा था पिछले साल अमेरिका के ही सर्जन्स ने सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट एक बुजुर्ग के हार्ट के साथ बदल के किया था और मुझे लगता है एक महीने भी वो नहीं चल पाए थे है ना इस बार दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है दोस्तों साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने अभी दोस्तों लियो वराडिकर बने थे आयरलैंड के वो भारतीय मूल के थे और एग्जाम में भी पूछा गया था तो 30 मार्च को लोग बता रहे कि राजस्थान का स्थापना दिवस है वेरी गुड बहुत अच्छे वेरी गुड दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है तो ये महाराष्ट्र के लातूर में किया है दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर में ही पिछले साल मुझे याद आ रहा है पचहत्तर फिट ऊंची अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाई गई थी उस मूर्ति का नाम क्या था बताइए दोस्तों पॉलिसी बाजार ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडियरी यानी एक अपनी एक कंपनी खोली है जिसमें हंड्रेड परसेंट शेयर पॉलिसी बाजार का है पीबी पे अब पीबी पे है तो व्हाट्सएप पे फोन पे गूगल पे की तरह ही पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस ले लेगा तो दोस्तों यहां पे इसको भी पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल रहा है आरबीआई से मिलेगा पेमेंट एग्रीगेशन के लिए यूपीआई का काम भी शुरू कर देगा हो सकता है तो अभी तो पेमेंट एग्रीगेटर का काम इसने लाइसेंस जो है मिल रहा है इसको एस कार्ड ने दोस्तों टाटा की टाइटन कंपनी जो टाइटन घड़ी बनाती है उसके साथ टाइटन एस कार्ड शुरू किया है दोस्तों अभी आपने देखा है कि बहुत सारे ने किया है टाइपअप स्मार्ट वॉच वाली कंपनी नॉइस के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने टाइप किया बहुत सारी कंपनियों ने किसी ने किसी की चेन बनाने वाली वॉच बनाने वाली कंपनी के साथ टाइप किया कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट के लिए कि भैया पेमेंट जो है बिना कार्ड के हो जाएगा खाली घड़ी टच करा दीजिए और आपका पेमेंट हो जाएगा तो ये एस ने भी दोस्तों किया है एस कार्ड का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है दोस्तों कहां पर है गुड़गांव में है जबकि बाकी एस के सारी ऑफिस कहां है ग्रुप की वो दोस्तों मुंबई में है ओके okay? क्लियर है तो दोस्तों अभी एयरटेल पेमेंट बैंक वाला जो बैंक जो था उसका भी कुछ दो हजार ही रेट था इसका भी दो हजार ही है ठीक है ये रुपए और वीजा दोनों पे उपलब्ध है और जहां तक मुझे याद आ रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक वाला नॉइज वाला वो मास्टर कार्ड के साथ टाइप है उसका इनका रुपए के साथ है अभिजीत चक्रवर्ती इसके हेड हैं एसबीआई कार्ड के दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एआई जनरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिए एन पैराडिज्म पैराडाइज्म एन के साथ टाइप किया है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने ठीक है ए आई ड्रीवेन लर्निंग सोल्यूशन देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आजकल फिने फिनटेक कंपनियां भी टाइप कर रही हैं किसी न किसी कंपनी के साथ बीमा क्षेत्र नौ वर्षों में चौवन हजार करोड़ का भारी एफ डी आई इसने अट्रैक्ट किया है इंश्योरेंस सेक्टर ने दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में उन्नीस मार्च को बहुत सारे चेंजेस हुए बहुत सारे नियमों में चेंजेस हुए नई कुछ कंपनियां आई बीमा सुगम लॉन्च हुआ बीमा वाहक बीमा विस्तार इन सब के ऊपर मैंने एक शॉर्ट न्यूज शो ही बना दिया अलग से ना सरेंडर वैल्यू के नियम चेंज हुए कितने नियम चेंज हुए कितने में बदल गए ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है ये उसी का एक पार्ट है दोस्तों जहां पे ये उपलब्धि भी बताई गई है तिरपन हजार नौ सौ करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है इस समय भारत में सत्तर इंश्योरेंस कंपनियां हैं कितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं सेवेंटी यानी सत्तर इंश्योरेंस कंपनियां हैं ओके दोस्तों यस बैंक ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ टाई अप किया है पेरिस ओलंपिक के लिए पेरिस ओलंपिक के लिए यस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी करी है ओके दोस्तों आप कुछ लोग कह रहे सर एन आई सी एल सी के लिए और एन आई सी एल के लिए इन सब के लिए कुछ जो है सर लॉन्च कर दीजिए तो अभी आप लोग बताइए कि आप लोग में से कौन लोगों का हुआ है उस हिसाब से मैं फैसला लूंगा कैंपेन का नाम है दोस्तों मिलकर जिताएंगे तो पेरिस ओलंपिक दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी होगी कि यस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के लिए पेरिस ओलंपिक जो लॉन्च किया है उस ब्रांड का नाम क्या है उस इनिशिएटिव का नाम है यस ग्लोरी यस ग्लोरी देखिए आपको फोटो में भी मैंने दिखाया है, है ना भूलिएगा नहीं यस ग्लोरी डेबिट कार्ड दोस्तों लॉन्च किया है तो ग्लोरी नाम आपको याद रखना है पेरिस ओलंपिक भी याद रखना है ओके okay? क्लियर <coughs> दोस्तों कौन सी कंपनी हाल ही में भारत की 2024 की दूसरी यूनिकॉर्न बन गई है पहली यूनिकॉर्न तो ओला की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी कृत्रिम बनी थी 2024 में एक ये बनी है और दूसरी कौन बनी है दोस्तों परफियोस यूनिकॉन कंपनी वन बिलियन डॉलर की जब कोई हो जाती है कंपनी तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिकॉन बन गई है ना जैसे 2023 में दोस्तों कौन सी कंपनी बनी थी तो एक तो इनक्रेड बनी थी और एक और कौन बनी थी बताइए 2023 में कौन बनी थी एक इनक्रेड बनी थी और एक और देखो जो सबसे मेन वाली है उसी का नाम मैं भूल गया और वो एग्जाम में भी पूछा था 2023 में भी दो ही कंपनियां बनी थी हमें लगता है नवंबर तक तो हम लोग उसी का नाम पढ़ रहे थे दिसंबर में इनक्रेड बनी थी <coughs> जेप्टो कैसे क्वेश्चन पूछा था ये भी बता दूं इसी महीने क्वेश्चन पूछा था कि दिसंबर में कौन सी कंपनी यूनिकॉर्न बनी थी 2023 में तो भैया जब साल भर हम लोग जेप्टो पढ़े अचानक से इनक्रेड आया तो दो ही कंपनियां तो यूनिकॉर्न बनी थी इनक्रेड वाला ही टिक मारना था दिसंबर में कौन सी बनी तो इनक्रेड बनी ठीक है तो ये 2023 में दो कंपनियां 2024 में भी दो कंपनियां बन गई हैं लेकिन 2023 तो डल रहा पूरे साल भर में एक ही कंपनी थी दिसंबर में दूसरी आई लेकिन 2024 तो इस मामले में सही है मार्च में ही दूसरी यूनिकॉन बन गई है अभी तो पूरा साल बाकी है अभी तो परसों से नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होनी बाकी है तो यहां पे एक तरीके से ज्यादा बन सकती है ज्यादा बन सकती है दोस्तों तो टीचर्स वेंचर ग्रो टीवीजी से 80 मिलियन डॉलर का दोस्तों इसको फंड भी मिल गया है ओके क्लियर है तो यह फिनटेक केंद्रित सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फर्म परफ्योस है जो 2024 की दूसरी यूनिकॉर्न बन गई दोस्तों निम्नलिखित में से किस संस्थापक नियामक निकाय ने हाल ही में पूरे भारत में जो है फ्राइस पेयर प्राइस शॉप प्राइस शॉप उचित मूल्य की दुकानों में क्रांति लाने के लिए फूड एंड प्रोसेसिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के साथ टाई अप किया है दोस्तों फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री कौन है <coughs> बताइएगा तो दोस्तों यहां पे जो टाई अप किया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आंट्रप्रन्यशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट और सिडबी ने किया है ठीक है इन दोनों ने किया सिडबी तो लोन देती है और ये स्मॉल बिजनेसेस को इंस्टीट्यूट है तो ट्रेनिंग देती होगी क्लियर है तो दोस्तों जो है यहां सिडबी ने और एम एस डी ई ने और एन आई ई एस बी यू डी ने मिल करके टाइप किया है ओके दोस्तों पूर्व ने नौसेना प्रमुख फॉर्मर नेवल चीफ एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास जी का निधन हो गया उन्हें किस वर्ष भारत के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया था फॉर्मर नेवी चीफ का निधन हुआ है पेशा अक्सर पूछता है जैसे पूछ लेगा कि लक्ष्मी नारायण रामदास जी क्या थे पेशे से तो वो नेवी हेड थे इस बात को आपको याद रखना होगा और कब ये भी पूछ लेता है कि अगर उन्हें कोई अवार्ड मिला है देश का प्रतिष्ठित भारत रत्न पद्म भूषण पद्म विभूषण वीरता चक्र महावीर चक्र परमवीर चक्र तो वो भी पूछ लेता है कि कब मिला था ऐसे भी क्वेश्चंस फेमस व्यक्ति जो आप नहीं जानते ऐसे फेमस व्यक्तियों के बारे में पूछ लेता है ठीक है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी वीरता के लिए दोस्तों उन्हें जो है सम्मानित किया गया था उन्हें 2004 में दोस्तों शांति के लिए रेमन मैक्स से अवार्ड भी दिया गया था रेमन मैक्स से अवार्ड दोस्तों रेमन मैक्स से अवार्ड जो है वो एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है 1971 में दोस्तों कराची पोर्ट को तबाह जब किया गया था जिस अवसर पर 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है उस समय नेवा नेवी के हेड यही साहब थे जिन्होंने कराची पोर्ट को तबाह भी किया और भारत पाकिस्तान के बीच शांति भी स्थापित करने के लिए अवॉर्ड भी ले लिया दोस्तों बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को पहले ग्लोबल इनक्वलिटी रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है बीना अग्रवाल जो कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में है और जेम्स बॉयस जो है वो चुसेस्ट यूनिवर्सिटी में है दोस्तों एमहर्स्ट की पॉलिटिकल इकोनॉमी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दोनों को विनर हैं ओके दोस्तों मार्च 2024 में सीओपी COP के सीओपी 28 के प्रेसिडेंट को अवार्ड मिला सीओपी 28 का प्रेसिडेंट आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है यूएई में दोस्तों जो है धाबी में सीओपी 28 जलवायु सम्मेलन हुआ था जहां यूएई ने अल्टेरा फंड बनाया था अल्टेरा फंड भी एग्जाम में आया था आप लोगों के अल्टेरा फंड बनाया था इन्होंने रिसीव किया है लीडरशिप अवार्ड एट द सेरा वीक बाई स्टैंडर्ड एंड ग्लोबल सेरा वीक में इन्होंने दोस्तों लीडरशिप अवार्ड जो है हासिल किया है ठीक है तो कौन इनमें से सीओपी ट्वेंटी एट को हेड कर रहे थे तो डॉक्टर सुल्तान अल जबर कर रहे थे कौन कर रहा था मेरे दोस्त सुल्तान अल जबर कर रहे थे ठीक है रेमन मैक्से अवार्ड इस बार कैंसर के डॉक्टर रवि कन्नन जी को दिया गया है यह बात भी याद रखिएगा ओके हिस्टोरिक यूएई कंसेंसस को दोस्तों सिक्योर करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है सुल्तान अल जबर है कौन तो ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी हैं ओके दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की आम सहमति ने डेढ़ डिग्री सेल्सियस की पहुंच को पहुंच के भीतर रखने पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहली श्रृंखला भी पेश की है दोस्तों चंद्रयान थ्री के लिए इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया चंद्रयान थ्री को दोस्तों जापान ने पहला मिशन भेजा चंद्रमा पर स्लिम मिशन चंद्रयान थ्री को ही क्रेडिट दिया चंद्रयान थ्री को अभी आइलैंड ने भी अवार्ड दिया है जिसे हम लोग आइसलैंड भी पढ़ते हैं ओके okay. तो चंद्रयान थ्री मिशन के समय एस सोमनाथन जी हेड थे जो 2019 में शिव शक्ति पॉइंट पर पहुंचा 23 अगस्त को पहुंचा जिस दिन को हम लोग मनाते हैं स्पेस डे के रूप में और चंद्रयान थ्री जो निकला था वो 14 जुलाई को निकला था यहां से 14 जुलाई को निकला 23 अगस्त को चंद्रयान थ्री पहुंचा तो जीएसएलवी एल वी मार्क थ्री एल वी एम थ्री जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं उसके उससे इसको प्रक्षेपित किया गया जो लैंडर उतरा उसका नाम विक्रम था विक्रम सारा भाई के नाम से जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के जनक माने जाते हैं इसरो के फर्स्ट हेड उस लैंडर में से दोस्तों एक छह पहिए वाला रोबोट निकला जिसका नाम प्रज्ञान था जिसने चंद्रमा पर दोस्तों खनिज पदार्थों के खनन किए और मिनरल्स का पता लगाया बजट थी 615 करोड़ रुपए 615 करोड़ रुपए दो मीटर लंबा और सत्रह केजी का विक्रम 26 किलोग्राम वचनी रोवर को लेके गया था इसको दोस्तों चौदह दिनों के लिए जो है तैयार किया गया था क्योंकि चौदह दिन तक एक दिन माना जाता है यानी कि एक दिन मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक का चौदह दिन का एक दिन वैसे जैसे हमारा चौबीस घंटे का होता है वो तो यहां पे अट्ठाईस दिन का होता है इसीलिए देखो चौदह दिन पूर्णिमा वाला रहता है शुक्ल पक्ष और चौदह दिन अमावस्या वाला रहता है कृष्ण पक्ष हमारे यहां क्योंकि वहां पे चंद्रमा पे सूर्योदय से सूर्यास्त तक वाला शुक्ल पक्ष फिर उसके बाद शाम से रात वाला जो है वो कृष्ण पक्ष हो जाता है <coughs> तो हमारे यहाँ का चौदह दिन चंद्रमा का केवल सूर्योदय से सूर्यास्त नहीं आधा दिन माना जाएगा हमारे यहाँ का अट्ठाईस दिन चंद्रमा का एक दिन पूरा माना जाएगा यानी जैसे हमारे यहाँ चौबीस घंटे होते ओके okay, इसलिए ये चौदह दिन के लिए क्यों सोलर पैनल से चलेगा सूर्य ऊर्जा से तो केवल सूर्योदय से शाम तक ही चल सकता है इसलिए चौदह दिन का यह अभिवान अभियान माना गया था ठीक है क्लियर है दोस्तों मार्च 2024 में नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक्स गायल्पो से सम्मानित किया गया यह पुरस्कार किस देश का है तो यह भूटान का सम्मान है जो मोदी जी को मिला है दोस्तों भूटान का सम्मान मोदी जी को दिया गया है भूटान हमारा मित्र देश है पड़ोसी देश है दोस्तों भूटान जाने के लिए किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है ऑप्शन है पासपोर्ट वीजा वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड या बोथ वन एंड टू भूटान नगल्ट्रम थिंपू भूटान नगल्ट्रम थिंपू तो दोस्तों भूटान में अभी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने सेरिंग तोगबे तो दोस्तों पीएम मोदी ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो पाने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं पहले विदेशी व्यक्ति हैं यह सम्मान भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा दिया गया है ओके आज तक किसी भी विदेशी व्यक्ति को नहीं दिया गया था पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति को दिया जा रहा तो दोस्तों के वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा तो आप भूटान में एंट्री नहीं कर पाओगे मानस नेशनल पार्क जो असम वाला है वो भूटान तक है फैला हुआ ये क्वेश्चन भी आरबीआई में पूछा जा चुका है दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय नित्यांगना डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों बताओ कि रतन टाटा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को नृत्य की दुनिया में डॉक्टर उमा रेले की यात्रा समर्पण उत्कृष्टता और अटूट जुनून से चिन्हित है भरतनाट्यम के प्रति उनका विशेष प्रेम है भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय संगीत है शास्त्रीय गीत है क्लासिकल डांस है क्लासिकल नृत्य है तो दोस्तों रतन टाटा जी को कौन सा अवार्ड मिला है ये कोई नहीं बताया उनको पीवी नरसिंहा राव अवार्ड मिला है पीवी नरसिंहा राव अवार्ड ही तो शायद उनको मिला है क्यों दोस्तों जेम पोर्टल जो कि भारत सरकार के सभी विभाग और मंत्रालय यहीं से खरीदारी करते हैं अभी हम लोग पढ़ रहे थे दो लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया लेकिन उसने भाई डबल कर दिया चार लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया एक साल में अपने बिजनेस को डबल कर दिया अभी तक हम देख रहे थे कि भाई साउथ कोरिया का कोनेप और सिंगापुर का जीई बिज इससे ऊपर है और ये तीसरे नंबर पे दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस प्रोक्योरमेंट पोर्टल है गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस e इसका पूरा नाम है लेकिन अब देख रहा हूं दो लाख ,00 करोड़ से चार लाख ,00 करोड़ तो हो सकता है ये दुनिया को पीछे कर दे 21 लाख ,00 सेलर दोस्तों और सर्विस प्रोवाइडर इस जेम पोर्टल पर ऑन बोर्ड है तो इसने चार लाख ,00 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है बहुत अच्छी बात है दोस्तों सबसे ज्यादा खरीद जो खरीदारी की थी कोयला मंत्रालय ने की थी पैंसठ हजार करोड़ की और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसमें जो ऑर्डर दिया था एक लाख करोड़ से ऊपर में वो रक्षा मंत्रालय ने किया था इस वित्त वर्ष में गुजरात उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे उच्चतम खरीदारी करने वाले राज्यों ने दूसरे राज्यों को इस वर्ष के निर्धारित सार्वजनिक खरीद लक्ष्य को पार करने में मदद की है तो दोस्तों गुजरात यूपी और दिल्ली ने जो है टॉप किया है इसमें ओके चार लाख करोड़ की बड़ी उपलब्धि में लगभग पचासी परसेंट एटी फाइव परसेंट का योगदान सरकारी संगठनों ने दिया है जैसे कोयला मंत्रालय विद्युत मंत्रालय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय और उनकी सहायक कंपनियां सबसे ज्यादा जो है खरीदारी करने वाली संस्थाओं के रूप में उभरी हैं दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारे ऐप अभी बनाए आपने देखा केवाईसी ऐप बनाया सक्षम ऐप बनाया अभी जो इसका पुराना ऐप है ऐप इसने दोस्तों जो है 79,000 वायलेशन को रिपोर्ट किया है कंप्लेंट को रिपोर्ट किया है आम चुनाव की घोषणा के बाद से चुनावी आचार संहिता लगने के बा, बाद से जहां भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा वो सी विजिल आप शिकायत कर सकते हैं और 99% परसेंट अधिक से शिकायतों का समाधान भी कर दिया है 89% परसेंट शिकायतों का समाधान 100 मिनट के भीतर किया गया है सोचिए बहुत अधिक शिकायतें हैं जो होर्डिंग और बैनरों के खिलाफ है क्योंकि होर्डिंग बैनर उपहार शराब वितरण ये सब आप नहीं कर सकते हैं धमकी ओमकी ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती हैं स्पीकर का उपयोग भी के लिए भी दोस्तों टाइम गाइडलाइन दी गई है जो भी नियमों का उल्लंघन कर रहा है सी विजिल ऐप पर आप भी दोस्तों उस अपने कैंडिडेट की शिकायत कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए और ऐसी ही जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अप्रैल को ग्रामीण बैंक भर्ती के लिए एक दोस्तों ऐतिहासिक बैच आ रहा है एक अप्रैल को शाम को छः बजे सभी लोग जुड़िए उस बैच की लॉन्चिंग में ठीक है क्लियर है और टेलीग्राम पर भी जुड़िए दोस्तों टेलीग्राम पर भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम से भी जुड़िए और बैंकिंग फाउंडेशन बैच बारह बजे होती है जिसमें आज मैं टॉप टेन फाइनेंशियल टर्म्स कराने वाला हूं उसमें भी जुड़िए टॉप टेन फाइनेंशियल टर्म्स में ऐसे टर्म्स डिस्कस करेंगे जो हम लोग ने किसी चैप्टर में नहीं टच किए हैं या बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी एक सीरीज मैं सोच रहा हूं कि ले लूं जिससे कि आप लोग के मिसलेनियस जो टर्म्स हैं जो इधर उधर के टर्म्स हैं जो किसी चैप्टर में नहीं आ पाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करें तो टॉप टेन फिनेंशियल टर्म्स की क्लास आपके लिए ऐतिहासिक क्लास होगी जो बारह बजे से होगी ठीक है क्लियर है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं हाँ वीकली करेंट अफेयर आज शाम को सात बजे होगा सैटरडे शाम सात बजे आज वीकली करंट अफेयर होगा ठीक है ओके okay? तो सब लोग साप्ताहिक करंट अफेयर के लिए तैयार है वैसे कल भी हो सकता है कल भी होगा लेकिन आज तो निश्चित होगा अगर आज हो गया कंप्लीट तो कल नहीं होगा संडे को दोपहर बारह बजे अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो संडे को भी दोपहर को बारह बजे हम लोग वीकली करंट अफेयर की क्लास को करेंगे तो इसे शेयर करिएगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपने प्यू सर को पहुंचाइए यही गुरु दक्षिणा है आपके लिए है ना गुरु सेवा करनी भी चाहिए तो कम से कम दो तीन दोस्तों को जोड़िए कि देखो भैया कोई करंट अफेयर नहीं छूटना चाहिए तो हाईएस्ट अटेम्प्ट की गारंटी और हाईएस्ट सिलेक्शन की गारंटी और हाईएस्ट करंट अफेयर की गारंटी कहाँ मिलती है पीयूष सर के यहाँ मिलती है कोई न्यूज़ पुरानी भी हो जाए छूट रही है तो पीयू सर छूटने नहीं देते हैं उसको पकड़ के करा ही देते हैं भले ही वो एक हफ्ता पहले होली की छिट्टी में छूट रही हो तो भी उसको उठा के ले आते हैं और अपने सेशन में कवर करा देते हैं सर तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि कोई न्यूज तो छूटने नहीं देंगे सर ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय जे भारत बाय टेक केयर लव यू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल